नमस्कार, मैं संतोष सावन यानी डीओपी संतोष सावन, कैमरामैन संतोष सावन, और स्वागत है आप सबका हमारा परी म्यूज़िक कंपनी में। और आज बहुत ही खुशी की बात है, मुझे यह बात बताते हुए बहुत खुशी हो रहा है कि परी म्यूज़िक कंपनी का सेटअप तैयार हो चुका है। और आप देख सकते हैं कि ये यहाँ देखिए इनका लगा हुआ है, ये आप देख सकते हैं ये मूर्ति लगा हुआ है, सेटअप दुर्गा जी का, देवी गीत का, और काफ़ी बेहतरीन सेटअप। और हमारे साथ कोरियोग्राफ में प्रमोद जी यहाँ पर मौजूद हैं, अभी तो शायद नीचे गए हैं अगला सिंगर का गाने के लिए तैयारी कर रहे हैं, कोरियोग्राफ कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग जितने लोग हैं परी म्यूज़िक कंपनी से अपना एल्बम रिलीज़ करें, और साथ ही साथ उनका जो सेटअप लगा हुआ है, देख सकते हैं हमारे पीछे देवी माँ का, दुर्गा जी का सेटअप लगा हुआ है, आप लोग आइए और यहाँ वीडियो शूट कराइए। और परी म्यूज़िक जो कि आपके इमामगंज क्षेत्र के नंबर वन कंपनी, और साथ ही साथ उनका यानी कि हमारे परी म्यूज़िक का जो प्रोप्राइटर है यानी कि बालकेश्वर अलबेला जी, उनका इमामगंज में स्टूडियो भी है अलबेला स्टूडियो के नाम से, अलबेला म्यूज़िक के नाम से, आप वहाँ आइए और अपना ऑडियो वीडियो बनाएँ और मार्केट में अपनी छवि को, अपनी पहचान को बनाए रखें। और अभी मैं आपको कुछ इमामगंज से, कुछ गया के क्षेत्र से हमारे अलबेला जी यहाँ पर भेजे हैं सिंगर लोगों को, आप मैं उनसे बात कराता हूँ। उनमें से एक हैं हमारे विपिन जी यानी कि विपिन उर्फ नक्कू जी। तो सर दो शब्द अपने। प्रणाम भैया, दर्शक लोग, हम सब के हाथ जोड़ के फोन लगाता नहीं, और हम हैं विपिन सिंह नक्कू, परी म्यूजिक प्रेजेंट के माध्यम से अलबेला रिकॉर्डिंग में हमेशा बराबर गाना रिकॉर्ड करते रहते हैं। और आज का जो दिन है वो बहुत एकदम सोचने वाली और बहुत अच्छा शुभ दिन है कि आज यहाँ हम लोग का वीडियो, भक्ति सॉन्ग का वीडियो बनाने के लिए हम मौका मिला है, और यहाँ भक्ति सॉन्ग का बहुत अच्छा एकदम सेटअप लगा हुआ है, बहुत बेहतरीन, जिसका कोई आप देख सकते हैं हमारे पीछे सेटअप लगा हुआ है आप। और ये हमारे कैमरामैन हैं संतोष सावन जी, इनका भी बहुत बड़ा योगदान है, हम लोग को बहुत मदद करते हैं आने के बाद बहुत अच्छे से। और अभी एक और हमारे आए हैं भाई बाबा जी, जिनका कृष्ण भजन, सर जरा यहाँ पे आएंगे और ये देखिए इनसे मिलिए। आप सभी को राधे राधे, जय श्री राम। मैं भजन गायक रंजन बाबा, गया जिला से, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ खास करके प्रमोद जी का और संतोष सावन जी का कि इतना बढ़िया उन्होंने सेटअप यहाँ पर लगाया ये सासाराम डिहरी में। और ये परी म्यूजिक जो है बहुत ही बेहतर म्यूजिक कंपनी, अभी स्ट्रगल के दौर पर चल रहा है लेकिन बहुत शानदार है, फैंटास्टिक है। मेरा उससे लगभग 15-20 एल्बम रिलीज है और ये फर्स्ट टाइम इनके बैनर तले एक शूटिंग हमारा हुआ है, कंप्लीट हुआ है। और हम चाहें कि आप सभी भी परी म्यूजिक के बैनर तले आएँ, बहुत ही बेहतर चीज वहाँ पर दिया जा रहा है, बहुत ही बेहतर वीडियो ऑडियो से लेकर के वीडियो रिलीजिंग तक का। और मैं ये बताना चाहूँगा कि हम तो गया जिला से उठ करके मुंबई तक का सफ़र किए हैं, हमारी दो दो फिल्म अभी आने वाली है, लॉकडाउन की वजह से वह स्टे हुआ है। एक भोजपुरी फिल्म है जिसका नाम है मच गई गदर प्यार में, और एक हिंदी फिल्म है रैनबो, ये दोनों फिल्में पेंडिंग में पड़ी हुई है लॉकडाउन की वजह से। जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होगा सारे थिएटर खुल जाएंगे, वो सारी फिल्में आगे लग जाएगी, आपके बीच आएगी, आप देखेंगे। अगर आप देखना चाहते हैं फिल्म की शूटिंग का फुटेज, तो आप रंजन बाबा फेसबुक पे जाएंगे, उस पे सारा कुछ मिल जाएगा। और हमारे जैसे कलाकार परी म्यूजिक के साथ जुड़ा हुआ है तो इससे बेहतर और क्या है, आप लोग भी आइए। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद रंजन जी। और एक और छोटी बच्ची प्यारी सी पूजा माही, आइए मैं पूजा माही से आप लोग को मिलवाते हैं। नमस्कार, प्रणाम, हम सिंगर पूजा माही, आप सबको प्रणाम। और मेरा आज वीडियो शूट था ये भक्ति सॉन्ग का, तो प्लीज आप लोग उस गाने को। अच्छा, अब ये सेटअप कैसा लगा पूजा? और सेटअप बहुत ही अच्छा है, बहुत बहुत अच्छा है। और चाहते हैं कि आप सब भी, आप लोग भी, आप यहाँ आकर के वीडियो शूट करवाइए, और बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा हो रहा है। आप देख सकते हैं कि सारे कलाकार इस जगह से, इस सेटअप से खुश नज़र आ रहे हैं। और आप, मैं कैमरा भी दिखा दूँ, ये हमारा 5D मार्क 4 70-200 लेंस के साथ बिल्कुल फुल HD क्वालिटी के साथ आपको मिलेगा, और किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारा धीरे धीरे और भी सेटअप बन रहा है, तैयार हो रहा है, देखिए कुछ इधर भी लगा हुआ है, इधर में अभी और तैयार करना है। अभी तो मुश्किल से हम लोग 3-4 दिन से ही सेटअप ये तैयार है, और ये सब एरिया को सारे को हमारा काम लगेगा, इधर पहाड़ वगैरह बनेगा। तो चलिए, मैं चाहूँगा कि आप जितने भी कलाकार हैं एक बार हमारे
अलबेला स्टूडियो में ज़रूर पधारें और अपने सुरीली आवाज़ को अपनी दुनिया में पहचान दें। धन्यवाद।